बड़ा जल्दी आ गए। हमेशा तो लेट करके ही आना है तुमको। वही गए थे ना? क्यों गए थे? अरे यार, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? खाना लगा दो। कितनी बार कहा है वहाँ मत जाया करो, जब भी जाते हो 10 बातें सुनकर आ जाते हो और आने के बाद मुंह लटका हुआ रहता है तुम्हारा। कम से कम एक गिलास पानी पिला दो। वहाँ जाए बिना तो तुमको रहा नहीं जाता है। तुम ना आज फैसला कर ही लो, तुमको मेरे साथ रहना या अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके बिना तो तुम्हारा दिल लगता ही नहीं है, है ना? तुम खाना लगा रही हो या मैं ऐसे ही सो जाऊं? सो जाऊं? क्या सो जाऊं? आज ना तुम फैसला कर ही लो, फिर तुमको जो करना है करते रहना। वहां से आने के बाद ऐसे बैठ जाते हो जैसे पता नहीं क्या लूट गया हो तुम्हारा। अरे यार, नहीं देखा जाता मुझसे तुम्हारा ये उदास चेहरा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, भगवान के लिए मुझे जीने दो। हाथ जोड़ रही हूँ, तुम और तुम्हारे परिवार के बीच पिस गई हूँ मैं। नहीं देखा जा रहा मुझसे ये सब, न तुम मेरी बातें सुनते हो और न ही तुम्हारे परिवार वाले। कब तक चलेगा ये सब, आज बता दो तुम मुझे। अरे कुछ सुनते क्यों नहीं हो तुम? सुनो तुम पहले मेरी बात, तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूँ या तुम्हारे परिवार वाले? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं था। मैं मरा नहीं हूं लेकिन अब जिंदा भी नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा लाश हूं मैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों को छोड़ दूं, और उन्हें लगता है कि मैं शादी के बाद अब उनका नहीं रहा। समाज वाले कहते हैं कि शादी के बाद एक लड़की पराई हो जाती है, लेकिन एक लड़का शादी के बाद पराया नहीं बल्कि बुरा हो जाता है। किसको किसको खुश रखे समझ ही नहीं आता। बीवी और परिवार में उलझ कर रह जाता है एक लड़का। सबके खुशी का देखते देखते पता ही नहीं चलता कि आखिरी बार खुद को कब खुश किया था। और सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब सबको खुश रखते रखते वो खुद बुरा बन जाता है। परिवार को खुश करो तो बीवी बुरा मान जाती है, बीवी को खुश रखो तो परिवार बुरा मान जाते हैं। पीस रहा हूं यार मैं, लड़के को दो राहों पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां एक राह बीवी की तरफ तो दूसरा परिवार की तरफ जाता है। नहीं चल सकता मैं दोनों राहों को साथ लेकर, एक को चुनूं तो दूसरे के नजर में गलत हो जाता हूं मैं। तुम तो अपने माँ पापा से रोज बात करती हो, लेकिन मैं तो अपने घर वालों से खुशी का इजहार तक नहीं कर पाता हूँ। खुशी तो छोड़ो, बात तक नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता ही नहीं कि क्या बात करनी है। शादी के पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर शादी के बाद सब बदल क्यों जाता है? मैं पहले बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अब सबसे बुरा बन गया हूं। तुम मुझे कहती हो कि अपने परिवार को छोड़ दो। यही बात अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने परिवार से बात करना बंद कर दो, उनको छोड़ दो, तो क्या तुम उनसे बात करना बंद कर दोगी? क्या तुम उनके बगैर रह पाओगी? क्या तुम उनके नजर में अच्छी रहोगी? सोचना इस बारे में जरा।